Good afternoon, everyone. How are all? Okay, I hope you all are fine. Yes? Okay, thank you. I'm audible. Thank you so much. So, today our day is for math work. First of all, we will do dodging. यहाँ मैम डॉजिंग बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैम नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी बहुत देर से प्रैक्टिस चल रही है। ओके मैम स्लोली बोलेंगे, यू हैव टू राइट। ओके मैम जैसे नंबर बोलते हैं, 1 मिनट मैम ने कौन सा नंबर बोला है, आपको वो नंबर साथ साथ लिखना है। ओके आफ्टर दैट मैम विल चेक। ओके ओपन पेज 1 डॉजिंग नंबर 1 में सामने बेटा आप लिखोगे 3। नंबर 1 के सामने 3 3। नंबर 2 6। नंबर 2 के सामने आप लिखोगे 6। नंबर 1 3। नंबर 2 के फ्रंट पे 6। यस नंबर 3 इसके सामने आप लिखोगे 1 1 1। नंबर 4 नंबर 4 के फ्रंट पे हम लिखेंगे 7 7। काउंटिंग इज अप टू 8, हमने 8 तक की काउंटिंग ऑलरेडी बहुत बार की हुई है। ओके एंड नंबर 5 क्या क्या लिखेंगे, 2 2। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, नंबर 1 के आगे 3। प्लीज चेक योर डॉटिंग, डियर पेरेंट्स डोंट हेल्प द चाइल्ड। आप गाइड कर सकते हो लेकिन आप हैंड होल्ड नहीं करोगे। नंबर 1 3, नंबर 2 6, नंबर 3 1, नंबर 4 7, नंबर 5 2। यस तो ये तो आपने मैम के साथ ही कंप्लीट कर ली क्योंकि मैम ने सिर्फ डॉटिंग के 5 नंबर्स लिए हैं। ओके नाउ कम ऑन पेज नंबर 2, काउंटिंग 1 टू 8। मेरे लिए पता है मम्मा ने भी आपकी नोटबुक पे ऑलरेडी प्रिपेयर किया है पेज, तो आप मैम के साथ 2 टाइम प्रैक्टिस करोगे मैम के साथ, और आप भी रिपीटेडली बोलकर लिखोगे। ओके ऐसे नहीं आपने चुपचाप लिखना है, नो। ठीक है 1 यू हैव टू पुट पेंसिल, 1 ब्लॉक नहीं छोड़ना क्योंकि हम डेली नहीं छोड़ रहे। देन 2 रिपीट 1 2, आफ्टर 2 3, यस अगेन रिपीट 1 2 3 4। बेटा यू हैव टू बी केयरफुल कि मैम ने जो 4 की फॉर्मेशन है वो कैसे दी है। मैम डेली नोटबुक में भी लिखती है, डेली मैम बोर्ड पे भी लिखती है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस विद दिस फॉर्मेशन। आपको ये वाली फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है प्लांटिंग लाइन में हो में। देन 5 5 में भी ये स्लांटिंग करिए, फिर भी स्लांटिंग 5 अगेन रिपीट फॉर फिंगर 1 2 3 4 5 6। स्लोली स्लोली एंड नीटली यू हैव टू डू योर वर्क। आपको साफ साफ काम करना है, आपके सारे जो डिजिट है वो सेंटर में शुरू होने चाहिए ऊपर की स्पेस, जैसे डेली कुछ स्टूडेंट अभी भी नहीं छोड़ते। ओके तो बी केयरफुल अगेन, पुट फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6 7
क्योंकि अगर आप ऐसे रिपीट कर करके इसको लिखोगे तो आपकी जो काउंटिंग है वो रॉन्ग हो ही नहीं सकती, और आपको जो रिकॉग्निशन नंबर्स भी है वो इजी भी हो जाएगी, अदरवाइज आप लॉजिक में बहुत मिस्टेक करोगे। ठीक है, अगेन वन मोर प्रैक्टिस। वन टू अगेन रिपीट, वन टू थ्री अगेन रिपीट, वन टू थ्री फोर। देखो मैं बॉटम लाइन से टच करते हैं, टॉप लाइन से टच नहीं करते। इसकी टॉप लाइन ये वाली है, यहाँ नहीं करना आपको, आपका जो नंबर है वो नीचे वाली लाइन से टच करना है। अगेन वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन रिपीट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। डियर पेरेंट्स, आप इनको खुद फिंगर अपने रिपीट करने की हैबिट डाल दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। अगेन रिपीट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो रिवाइज वंस अगेन, पुट फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगर आपकी एट तक की काउंटिंग बिल्कुल करेक्ट है तो वो इसलिए क्योंकि हम इसको रिपीटेडली साथ साथ में ऑरल कर रहे हैं। आपको ऑरल करना है कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है, मैंने कोई डिजिट छोड़ तो नहीं दिया, कोई नंबर में से रहा तो नहीं। वंस अगेन सेकंड लाइन भी हम चेक करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चलिए चेक योर सेल्फ बेटा, जब आप खुद इसको खोल के चेक करोगे तो ये रॉन्ग हो ही नहीं सकती। By the time student अपना work complete कर रहे हैं, dear parents, please make this page count and drive. Up to five ही आपने pictures draw करनी है, tough pictures मत draw कीजिए। अगर आपको difficult लग रहा है, you can draw any easy picture. You can draw only circles, no issue. आप सिर्फ circle भी draw करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें इनको सिर्फ काउंट करना सिखाना है। काउंट एंड ड्राइव के जितने आर्टिकल्स हैं हमें उसे काउंट करना है, फिर ये उस नंबरिंग को वहां लिखेंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, मैम के साथ साथ आपका वर्क फिनिश होना चाहिए। मैम की वर्क फिनिश हुई है, आपकी भी होनी चाहिए। एस डी एम पेरेंट्स, आपको वॉच करना है, आपको हैंड होल्ड करके वर्क नहीं करवाना, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, ये अपने आप लिख सकते हैं। दे आर कैपेबल नाउ, दे
आर वेरी स्मार्ट. अगर आप हैंड होल्ड नहीं करोगे तो ये वो वाली सब्जेक्ट किसी भी छोड़ देंगे, क्योंकि क्लास में मैं नहीं होल्ड करते तो स्टूडेंट्स खड़ जाके बताते हैं कि हैंड होल्ड मत करो, मैम नहीं करते. तो बी केयरफुल. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, काउंट एंड राइट. क्योंकि इनको काउंटिंग आती है, दे नो द नंबर्स, दे रिकॉग्नाइज द नंबर्स रीडिंग, तो इनके लिए ये मुश्किल नहीं है. इसको करने के टू मेथड्स हैं. एक तो सिंपली वन, हम फर्स्ट लाइन में काउंट करवाएंगे, वन टू थ्री, हाउ मेनी बॉल्स, थ्री बॉल्स, तो हम यहाँ थ्री लिखेंगे वन पे. एंड सेकेंड पे आप आर्टिकल्स या जो भी आपने पिक्चर्स ड्रॉ की उसके ऊपर काउंटिंग लिखवाओ. एक तो काउंटिंग की प्रैक्टिस हो गई, एक ये नंबरिंग रॉन्ग नहीं करेंगे. वन टू थ्री, वन टू थ्री, एक इनकी नंबरिंग चेकिंग हुई और सेकेंड इनके जो आर्टिकल है वो भी ये प्रॉपर काउंट करेंगे. वन टू थ्री, देन लास्ट नंबर पे हाउ मेनी बॉल्स, थ्री बॉल्स. यू हैव टू प्ले थ्री नंबर. आपको यहाँ जो बॉल्स है वो थ्री दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ थ्री नंबर लिखना है. ओके बेबीज, इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट लाइन में आपने फिर से वन से स्टार्ट करना है. ऐसे नहीं कि आपने थ्री के आगे काउंट करना है, नो. अगेन, पहले आप ऐसे काउंट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव. ये सिंपल है क्योंकि आपको फिंगर से सिंगल सिंगल जो ऑब्जेक्ट है उसको काउंट करने की हैबिट होनी चाहिए. आपको पता है क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, मैंने फाइव स्टार ड्रॉ की है, पर आप ऊपर क्या लिखोगे, काउंटिंग स्मॉल स्मॉल डिजिट, वन टू, देन नेक्स्ट थ्री, नेक्स्ट फोर, नेक्स्ट फाइव. अगर आप ऐसे भी काउंट करते हो, वन टू थ्री फोर फाइव, तब भी हमारे स्टार फाइव है. लेकिन कितनी बार आपकी डिजिट लिखोगे, आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. हाउ मेनी स्टार, फाइव स्टार. आपको भी ऐसे ही करना है, टाइम टेकिंग है लेकिन इतना नहीं है कि यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए भी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन. प्लीज काउंट करो पहले, वन टू, नाउ पुट नंबर वन, देन टू, हाउ मेनी लीव्स, वन टू, हमारा लास्ट नंबर क्या है, टू. Yes. One, two. Now, last, next line. Again, we will start from one. Yes. One, two, three, four. How many balloons? Four. Put number one, two, three, four. How many balloons? One, टू थ्री फोर. तो हमारे जो पर नंबर है वो कौन सा नंबर है, फोर नंबर. देन वी हैव टू राइट हियर फोर. यस, नाउ लास्ट लाइन, हाउ मेनी आइसक्रीम, वन. और तो आइसक्रीम दिखाई नहीं दे रही, नहीं है. तो ये आइसक्रीम तो हम लोग खा लेंगे लेकिन पहले नंबरिंग कर रहे हैं. ओके, वन, ओनली वन, देन वी हैव टू राइट हियर वन. अभी हमारी जो काउंट का ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ फाइव तक है. आप प्रैक्टिस भी करोगे, ओनली फाइव तक ही करोगे. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको इजीली काउंट करना आएगा. आपने फिंगर से भी काउंट करना है, आपकी नंबरिंग से भी काउंट करना है. नंबरिंग मींस आपको जब नंबर्स आ जाएंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में इजीली एडजस्ट हो जाएगा.
चेक करूंगी मैं। यस वेरी गुड वेरी गुड। आपको फिर भी सपना बहुत नीट एंड क्लीन करना है, कलरिंग बाहर नहीं होनी चाहिए। हाँ यू कैन सेम कलर इन दीज पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स में कलर कर सकती हो इसको अट्रैक्टिव करने के लिए। तो आपकी मूड जो है वो अट्रैक्टिव होगी और आपको काउंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। यू हैव टू काउंट, बस आपको ये देखना है कि फिंगर में आप कैसे काम कर रहे हो, वैसे भागना नहीं है, स्लोली 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 करना है। आई थिंक यू आर डूइंग ओके। Shall we move on next page? Last page. One picture. Very easy. Now it's very easy for you. One picture means आपको one ही circle draw करना है और उसमें one number ही लिखना है. Slowly, slowly, you have to make one circle. And write down number 1. अगर यहाँ पे मैम ने 2 लिखा होता तो यहाँ से मैम ने 2 सर्कल ड्रॉ कर देते। अगर मैम ने यहाँ 3 लिखा होता तो 3 मतलब यहाँ पे जितने नंबर होंगे आप उतनी पिक्चर्स ड्रॉ करोगे। ठीक है? Now we color slowly, slowly and easy. अब कोई जल्दी नहीं है। किसी का बहुत बड़ा है वो नहीं। और मैम स्टार्ट कर दी है जब आप स्लोली और मीटली वॉक करोगे। मैम ने स्लोली स्लोली कलर कर दिया ना, मैम ने जल्दी कलर थोड़ी ना किया है। बेटा मैम के पास स्टॉक है, आपके पास पेंसिल है, आपका ये विजिबल हो जाएगा। यस ओके। ये अभी कंप्लीट हो रहा है, जिसका वो कंप्लीट हो अभी हो चुका है वो 1 से 10 तक काउंटिंग सुनाएगा। आयांश जब तक बाकी स्टूडेंट्स अपना वर्क फिनिश कर रहे हैं स्टार्ट काउंटिंग। ओके ज्यादा ऑडिबल तो नहीं है। यस प्रीतम हार्दिक
Your turn. Speak loudly. Hardik. Yes. Very nice. Very nice. Kritika, beta, your turn. Kritika. Kritika, beta, start counting. Well done. Well done. इतना लाउड तो होना चाहिए एटलीस्ट. ग्रेट. बानी योर टर्न बेटा. बानी Very nice, very nice, very nice.